AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जयपुर में हुए एक टॉक शो में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आजकल जिस तरह का माहौल बन रहा है, निश्चित है कि जल्द ही भारत भी श्रीलंका बन जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब श्रीलंका की तर्ज पर भारत में भी जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएगी। लोगों का भरोसा संसदीय प्रणाली से उठ चुका है। ऐसे वक्त में सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम कट्टरवाद का खामियाजा केवल मुस्लिम समुदाय को ही भुगतना पड़ रहा है। एमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि आज की जो स्थिति है उस पर राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो गए हैं। जनता खुद ही सड़कों पर उतरती है, उसे किसी राजनीतिक दल का सहारा लेने की जरूरत नहीं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह विषय गंभीर है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।